हेलो गाइज, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइज, आज की वीडियो का टॉपिक है मोस्ट अवेटेड टॉपिक, पिगमेंट्स को प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर कितनी लेयर्स लगनी चाहिए, कितनी नई लगनी चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आज आपको इस वीडियो में सारा कुछ पता लगेगा। सो मेक श्योर एक भी स्टेप को मिस मत करना, बहुत ध्यान से देखना। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सो गाइज, ये हैं हमारे क्लाइंट के नेल, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी एंड नेल बेड बहुत ही स्ट्रांग है। और सबसे पहले हम जो है बड़े हुए नेल को कट करेंगे, मीन्स हमारा जो फ्री एज एरिया की ग्रोथ वाला एरिया है उसको हम नेल कटर की हेल्प से कट कर देंगे इस तरीके से। और अब जो है हम टिप के साइजेस सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी टिप के साइजेस सेलेक्ट है हम पहले ही निकाल कर रख लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले करेंगे नेचुरल नेल्स को जेल वाइप, मीन्स एसीटोन फ्री के साथ अच्छे से क्लीन करना है ताकि कोई भी डस्ट या नेल पॉलिश अगर रिमूव हो जाए, अगर लगी हो तो। और अब मैं क्यूटिकल एरिया को पुश कर रही हूँ हमारे पुशर की हेल्प से इस तरीके से। और अब इसके बाद गाइज, हमें जो टिप हमने सेलेक्ट करके रखी हुई है वो हम टिप को जो है दोबारा से एक बार चेक कर लेंगे, कहीं मिक्स ना हो गई हो तो एक बार चेक करके देखेंगे कि किस फिंगर पे परफेक्ट साइज आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी टिप को सिलेक्ट करने के बाद जो है नेचुरल नेल को करेंगे ब्लो बफ, और फुल नेल को अच्छे से ड्राई करने के बाद ब्लो बफर से इस तरीके से साइड्स को भी अच्छे से ड्राई करने के बाद हमने जो टिप सेलेक्ट करके रखी हुई है गाइज, उसके लॉकिंग एरिया पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे। और ग्लू एप्लीकेशन करने के बाद हम इसे नेचुरल नेल के ऊपर पेस्ट कर देंगे। सो गाइज, हमारी टिप लग के रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं दोनों हाथों में जो नेचुरल नेल के साइजेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो साइजेस लगे एकदम परफेक्ट है, ना तो वो छोटे हैं और ना ही बड़े हैं। और अब इसके बाद जो है हम अपने टिप क्लिपर की हेल्प से इसकी लेंथ को कट करेंगे, तो जितने भी हमें टारगेट शेप चाहिए, लेंथ चाहिए, उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही लेंथ को कट करेंगे। और अब हम कर रहे हैं ब्लेंडिंग लाइन हमारे एमरी बोर्ड की हेल्प से, इस तरीके से ब्लेंडिंग लाइन करेंगे। जो भी हमने टिप अप्लाई करी थी उसको ब्लेंड कर दिया है हमने नेचुरल नेल में, मर्ज कर दिया है। इसकी साइड्स को नीट करेंगे और जो भी हमें शेप क्रिएट करनी है वो भी हम अभी ही करेंगे। सो गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं स्टेरेटो शेप, जो कि हमेशा लॉन्ग नेल में ही बनती है। इसकी साइड्स जो है राउंडेड रहती हैं और ऊपर से इसका बिल्कुल पॉइंटेड रहता है, ताकि ये जो इसकी लुक है वो बिल्कुल स्टेरेटो टाइप की आ सके, लॉन्ग टाइप की नेल्स की। और अब इसके बाद जो है हमारे नेल्स की शेप, ब्लेंडिंग लाइन और साइड्स नीट करने के बाद अब बारी है हमारे प्रोडक्ट एप्लीकेशन की। और गाइज, अब हम करेंगे सभी नेल्स को प्रॉपरली ब्लो बफ हमारे ब्लो बफर की हेल्प से। पूरा नेचुरल नेल और टिप एरिया को अच्छे से ड्राई कर लेंगे, ताकि हमारा जो, क्योंकि डिज़ाइन आज हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंस, तो मेक श्योर कि आपका जो जितना ज़्यादा ये सरफेस ड्राई रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है वो टिका रहेगा और उतने ही ज़्यादा नेल्स जो हैं टिके रहेंगे, एक महीना से पहले नेल्स नहीं निकलेंगे। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ डिहाइड्रेटर, ये लिक्विड फॉर्म में है मेरे पास, अगर आपके पास पीएच पेन के फॉर्म में आप वो भी लगा सकते हैं। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ जेल विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर, बिल्कुल पतला पतला लगाएंगे गाइस, खींच कर प्रॉपरली, जितना पतला हो सके उतना ज़्यादा पतला। गाइस, बिल्कुल पतला पतला जेल विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर हमारे जेल ब्रश के साथ लगाकर हमने इसे क्योर करवा दिया है। और अब बारी है हमारा बिल्डर जेल एप्लीकेशन की, तो हमारा बिल्डर जेल भी हम विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर ही अप्लाई करेंगे हमारे जेल ब्रश की हेल्प से। पर इस स्टेप पे जो है हम जो जेल लगाएंगे वो थोड़ा सा थिक करके लगाएंगे, क्योंकि नेल की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो थोड़े से हम नेल्स को मोटा ही बनाएंगे। तो बिल्डर जेल लग के हमारा रेडी हो चुका है सभी नेल्स के ऊपर, और हम इसे भी क्योर करवा देंगे। और इसे भी क्योर करवाने के बाद गाइज, हम अगेन सेम इसी तरीके से ही थोड़ा थिक जेल करके ही अप्लाई करेंगे हमारा विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर हमारे जेल ब्रश की हेल्प से इस तरीके से। तो प्रॉपरली नेल इतना थिक होना चाहिए कि वो निकले नहीं एटलीस्ट एक महीने तक, क्योंकि हमें बफिंग भी करनी है, तो मेक श्योर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ही अप्लाई करेंगे। इसे अब हम क्योर करवा देंगे, और क्योर करवाने के बाद गाइज अब बारी है इसे जेल वाइप करने की। तो जेल वाइप के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ ये है हमारा एसीटोन फ्री।
सो गाइस एसीटोन फ्री के साथ क्लीन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी जो जेल होती है वो उसमें चिपचिपाहट होती है। अगर हम डायरेक्ट इसके डंस एंड बम्स क्लीन करते हैं क्योंकि उसके नेचर में है वो फ्लेक्सिबल है, डंस एंड बम्स जो है बनाएगी तो इसके लिए हमें बिकॉज बफिंग करनी होती है, तो एसीटोन फ्री के साथ इस तरीके से बफिंग क्लीन करना नेल को बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइज अब बारी है बफिंग की, तो बफिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एमरी बोर्ड, इसे हम फाइलर भी बोलते हैं। तो जो फाइलर मैं यूज़ करती हूँ ये होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड फाइलर, तो इसे चलाते आप टाइम आपने बहुत ध्यान रखना है, मेक श्योर आपके क्लाइंट के क्यूटिकल एरिया साइड वॉल्स में जो है बिल्कुल भी ब्लीडिंग ना हो, ये लग ना जाए। और अब हम इसके जितने भी डंट्स एंड बम्स जो हम क्लीन करेंगे तो इसे जो नेचुरल नेल की जो लुक है वो बिल्कुल नेचुरल आ जाएगी, और सबसे अच्छी चीज़ की शेप नीट हो जाएगी। हम यहाँ पर इस लेवल पे आके शेप भी नीट कर लेंगे ताकि हमारा जो नेल है अगर ज़रा सा भी इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम उस शेप को यहाँ पे आके रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपका जो है एपेक्स प्रॉपरली बन के आना चाहिए, आपका नेल का जो लुक है वो एकदम नेचुरल लुक आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नेचुरल नेल जितना ब्रॉड है आपकी टिप उससे बाहर जा रही हो कहीं। सो गाइज बफिंग नीड करने के बाद और सारे के सारे डंट्स एंड बम्स नीड करने के बाद अब पूरे के पूरे नेल्स को हम करेंगे ब्लोबअप। तो यहाँ पर हम ब्लोबफर की हेल्प लेते हैं, इसके लिए आपको ये एटलीस्ट इतना हार्ड ब्लोबफर चाहिए कि आपके जो एमरी बोर्ड के स्क्रैचेज हैं वो सारे के सारे नीट हो जाएं। तो प्रॉपरली पूरे के पूरे नेल को अच्छे से ब्लोबअप कर लिया हमने, साइड्स भी नीट कर ली हैं, शेप हमारी रेडी है और अब बारी है हमारे डिज़ाइनिंग पार्ट स्टार्ट करने की। तो जितनी भी एक्स्ट्रा डस्ट थी गाइज हमने सारी क्लीन कर ली है और अब मैं सभी नेल्स के ऊपर जो है ये बेज कलर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हमें पहले इसमें ओम्ब्रे इफेक्ट चाहिए, तो हम इसकी जो है सिंगल कोट ही अप्लाई करेंगे। अगर सिंगल कोट में इसकी कवरेज आ जाएगी तो हमें सेकंड कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं सिर्फ हाफ ऑफ एरिया पर ही कर रहे हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल हाफ ऑफ एरिया पर ही हम अप्लाई करेंगे हमारे इस कलर को, जेल पॉलिश को बिल्कुल पतली पतली कोट करके, और इसके बाद जो है हम इसे ब्लेंड करेंगे हमारे स्पॉन्ज की हेल्प से। हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज हम करने वाले हैं एक और नया नेल आर्ट, तो आइए आपको दिखाते हैं। सो गाइस इस हाथ में हमने जो है शेप करी है स्टेलिटो शेप और नेल्स हमारे रेडी हो गए हैं, लेकिन इस वाले में हम तब तक काम करेंगे जब तक आपको दिखाते हैं वीडियो में। इसमें मैंने कलर लगा दिया है और अब हम इसको ओम्ब्रे इफेक्ट देंगे, इसे हम ब्लेंड करेंगे कलर को। सो गाइस इसे हम ब्लेंड करेंगे हमारे स्पॉन्ज की हेल्प से, तो हमने स्पॉन्ज का एक छोटा सा टुकड़ा जो है कट कर लिया ताकि हमारा पूरा स्पॉन्ज वेस्ट ना हो, और इस तरीके से हम इसे ब्लेंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग जो है इसकी कितनी अच्छी हो रही है क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत पतली कोट अप्लाई करी है। तो इसे हमने क्योर करवा दिया और क्योर करवाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें एक और कोट अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट आ रहा था, तो इसलिए हम थोड़ा सा और कम एरिया पर पतली पतली बिल्कुल अगेन हम अपनी जेल पॉलिश की कोट देंगे और अगेन इसे एप्लीकेशन करने के बाद जो है हमारे स्पॉन्ज की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे। सो गाइस इसे भी ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा ओम्ब्रे इफेक्ट आ रहा है, और अब हम इसे भी क्योर करवा देंगे। और इसे क्योर करवाने के बाद बारी है गाइस, बिकॉज हमें इसमें जो है थोड़ा सा क्रोम इफेक्ट देना है, तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ नॉन वाइप यूवी टॉप कोट और बिल्कुल पतली पतली कोट करके अप्लाई करेंगे हम इसकी भी सभी नेल्स के ऊपर एक साथ, बिकॉज हमें इसके बाद जो है ब्रश आर्ट भी करनी है और हमें पिगमेंट का कलर्स भी यूज़ करने हैं। सो मेक श्योर ये जो कोट है बिल्कुल पतली पतली करके ही हम अप्लाई करेंगे ताकि इसके बाद इसमें जो हम क्रोम करने वाले हैं गोल्डन इफेक्ट में वो बहुत ही अच्छा निकल के आ सके। तो इसे अब हम क्योर करवा देंगे और क्योर करवाने के बाद गाइस देखिए हम इसमें जो ये क्रोम इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं ये यूज़ करेंगे पूरे नेल के ऊपर, तो जहाँ पर बेज है वहाँ पर जो है इसका कलर अलग दिख रहा है नीचे का बेज, और जहाँ पर हमारा वाइट टिप दिख रही है तो ओम्ब्रे इफेक्ट विद क्रोम इफेक्ट ये बहुत ही अच्छा बन के आ रहा है। और अगेन हम जो है इसके ऊपर अब यूवी टॉप कोट अप्लाई कर देंगे, पूरा अच्छे से इसे जो है कवरेज देंगे साइड से, क्यूटिकल एरिया हमारा फ्री एज एरिया प्रॉपरली इसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए।
सो गाइज इसके ऊपर हमने अब यूवी टॉप कोट अप्लाई करनी है, जो वो बिल्कुल पतली पतली करके कोट अप्लाई करनी है, क्योंकि हमें इसके ऊपर अभी और भी डिज़ाइन करना है। तो मेक श्योर ये बहुत ज़्यादा थिक वर्क नहीं करेंगे हमारे यूवी टॉप कोट का, बिल्कुल पतली पतली कोट सिर्फ इसलिए देंगे ताकि हमारा जो क्रोम इफेक्ट है वो प्रॉपरली क्योर हो सके, बिकॉज इसके बाद हमने दोबारा भी बफिंग करनी है। और लेकिन इतना भी पतला नहीं करेंगे कि आपका जो क्रोम है वो बफिंग में हट जाए। सो मेक श्योर प्रॉपरली बिल्कुल पतली पतली कोट करके एप्लीकेशन करके हम इसे जो है क्योर करवा देंगे। तो गाइस इसे क्योर करवाने के बाद अब हम सभी नेल्स को सॉफ्ट ब्लोबफर से ब्लोबफ करेंगे। तो यहाँ पर हम हार्ड ब्लोबफर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यूवी टॉप कोट की बहुत ही पतली कोट दी थी, तो हमारा क्रोम कहीं निकल ना जाए, इसलिए बिकॉज हमें क्रोम का रिफ्लेक्शन जो है नीचे चाहिए ही चाहिए, जो क्योंकि हमारी डिज़ाइन की डिमांड है वो। और इसके अलावा जो है हमारा पूरा के पूरा जो ब्लोबफर है ये इतना लाइट ब्लोबफर होता है कि आपके नेल को सिर्फ ड्राई कर देगा लेकिन आपका प्रोडक्ट 100% रिमूव नहीं करता है। तो सभी नेल्स को हम इस तरीके से वन बाय वन करके ब्लोबफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा के पूरा जो नेल है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, और मैंने थोड़ी सी इस बॉक्स के कैप के ऊपर वाइट जेल पॉलिश निकाल के रख ली है। और अब हम इस तरीके से वाइट जेल पॉलिश के साथ हम अपने डिज़ाइनिंग का बेस रेडी करेंगे। तो जैसे कि हम मेरे को इस फिंगर पे हमारी बटरफ्लाई हाफ इस फिंगर पर हाफ इसके साथ वाली फिंगर पर बनानी है, रिंग फिंगर पर, तो उसके ऊपर हम इस तरीके से इसका बेस कोट अप्लाई करके छोड़ देंगे। और यहाँ पर भी ये जो कोट है गाइज हम इतना ज़्यादा पतला नहीं देंगे कि वो ट्रांसलूसेंट रह जाए, बिकॉज इसके ऊपर हमने पिगमेंट्स भी अप्लाई करने हैं, और इतना भी थिक नहीं देंगे कि वो पैच बन के रबड़ की तरह बन के वो निकल जाए। सो मेक श्योर इक्वल एप्लीकेशन करके हम जो है बाकी नेल्स पर भी इसी तरीके से ही हम वर्क कर देंगे, ताकि हमारा जो बटरफ्लाई का डिज़ाइनिंग है वो भी क्लियर आ जाए। और बाकी नेल्स पर जैसे थंब पे हमें अप्लाई करना है हार्ट की शेप में डिज़ाइनिंग, तो सभी नेल्स पर एक साथ ही हम ये ब्रश आर्ट का वर्क जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज अगर आप भी हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी एकेडमी न्यू दिल्ली में है, और हमारे पास नेल्स, आई लैशेज, माइक्रोब्लेडिंग आईब्रोज, परमानेंट लिप कलर और साथ में हेयर एक्सटेंशन की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो हमारे सभी नेल्स के ऊपर जो है ब्रश आर्ट होकर रेडी हो चुकी है, और अब हम इसे क्योर करवा देंगे। और इसे क्योर करवाने के बाद गाइज हम यूज़ करने वाले हैं हमारे नियॉन पिगमेंट्स। तो ये जो पिगमेंट्स हैं इसे हम ब्रश की हेल्प से यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जेल जो है अप्लाई कर दिया है, और मेक श्योर इसके लिए एंगुलर ब्रश सबसे बेस्ट रहता है। तो इसे धीरे धीरे करके अप्लाई करेंगे ताकि हमारे नेक्स्ट कलर की उसमें शेडिंग आती रहे, बिकॉज हमने एक पर्टिकुलर एरिया पर नहीं देना है, हमने वन बाय वन करके इसमें शेडिंग देनी है, लाइटर टू डार्क, डार्क टू अनदर कलर पे हम पहुंचेंगे, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन के आ सके और कलर की मर्जिंग बहुत अच्छे से हो सके। सो गाइज जब भी हम अपने ब्रश में एक पिगमेंट को लेंगे तो सभी नेल्स पर हम एक साथ ही वर्क करेंगे इस तरीके से, ताकि एक पिगमेंट पहले अच्छे से अप्लाई हो जाए और हमें बार बार ब्रश ना क्लीन करना पड़े। और इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आपने एक बार एक कलर उठाया है तो आप ब्रश आर्ट भी एक साथ ही कीजिए सभी नेल्स के ऊपर, जहाँ जहाँ पर भी आपको ब्रश आर्ट करनी है, और पिगमेंट भी आप एक ही साथ ही अप्लाई करें। तो उससे क्या है कि एक फ्लो पूरा बना होता है आपका, ना तो प्रोडक्ट वेस्ट होता है ना आपका टाइम वेस्ट होता है, और इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो भी एक फ्लो के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनकर आती है। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले लाइट नियॉन ग्रीन लिया था, अब मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन लिया है, और अब इसके बाद मैं लेने जा रही हूँ ब्लू कलर। तो ब्लू कलर इसमें जो है जैसे रेनबो में इफ़ेक्ट होता है, हम लोग बेसिकली विबग्योर कलर्स ले रहे हैं। विबग्योर के बारे में तो आपको पता ही होगा, रेनबो में जो कलर्स होते हैं वो सारे कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे येलो टू रेड टू हमारा जो है विबग्योर में पूरा के पूरा वॉयलेट कलर तक आता है। तो मेक श्योर हम विबग्योर के कलर्स को ही बेस में रख के, ध्यान में रख के, और फिर ही हम अपना जो डिज़ाइनिंग है वो क्रिएट करेंगे।
सो हमारी पिगमेंट एप्लीकेशन गाइज हो चुकी है और जैसे कि आपने देखा हमारा नीचे का जो बेस था वो हमने ऑलरेडी ड्राई कर लिया था ताकि हमारा ये जो पिगमेंट है वो एक्स्ट्रा एरिया पे ना आ सके। और अब जो है हम इसे क्लीनिंग करने के बाद देख सकते हैं कि नीचे का जो बेस है वो हमारा रेडी है, वही बेज एंड ओम्ब्रे इफेक्ट आ रहा है। और अब हम इसके ऊपर करने जा रहे हैं ब्रश आर्ट। तो ब्रश आर्ट के लिए गाइज मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ हमारा एक्रेलिक पेंट्स, एक्रेलिक पेंट्स और हमारा जी जो ब्रश आर्ट वाला ब्रश है इससे हम बटरफ्लाई के पंख क्रिएट करेंगे, इसमें शेडिंग देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा नीट बन के आ सके। तो जिस तरीके से हमने बटरफ्लाई का पंख क्रिएट किया है इसकी आउटलाइनिंग करी है और ये बहुत अच्छे से डिफाइन होके अब नज़र आ रहा है इसका जो पंख है बटरफ्लाई का। और इसमें जो शेड्स आ रहे हैं गाइज वो भी आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल लग रहे हैं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल अब लग रहे हैं इसकी आउटलाइन होने के बाद। तो अब इसके बाद जो बाकी नेल्स हमारे बचे हैं वहाँ पर भी हम सेम इसी तरीके से डिज़ाइन की डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी हम जो है आउटलाइनिंग देंगे ताकि वो भी जो हमारे डिज़ाइन है वो एनहेंस होके आ सके और उनकी भी जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ सके। तो अब देख रहे हैं नीचे का बिकॉज हमारा क्रोम एरिया है और वो लाइट है, अगर हम डायरेक्ट बिना ब्रश आर्ट के बिना आउटलाइनिंग कैसे देते हैं तो ये उसी में ही मर्ज हो जाएगा और इसकी लुक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी हाईलाइट होकर। तो इसलिए हम इस तरीके से ब्रश आर्ट ज़रूर देंगे। और ब्रश आर्ट हमारी कंप्लीट करने के बाद अब बारी है हमारी यूवी टॉप कट अप्लाई करने की। तो अब मैं यूवी टॉप कट अप्लाई कर रही हूँ गाइज़, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे इस पिगमेंट को अलग से क्योर करवाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है इसे परमानेंट करने के लिए। तो हमारा ये रेडी टू मेक डिज़ाइन है। तो मेक श्योर कि हम इसे जब यूवी टॉप कट लगाएंगे यहाँ पर आपकी जो है कैपिंग प्रॉपर हो, आपका डिज़ाइनिंग जो है प्रॉपर बन के आए, आपका ब्रश आर्ट नीट हो मेक श्योर, और हमारा ब्रश आर्ट और ये पिगमेंट का जो आर्ट है वो हमारा इकट्ठा ही अब यूवी टॉप कट के बाद क्योर हो जाएगा। तो गाइज यूवी टॉप कोट लगाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो बेस है उसका भी लुक इन्हेंस हो गया है और बाकी नेल भी। और अब हम इसे क्योर करवा देंगे और क्योर करवाने के बाद गाइज हम एक बार जेल वाइप करके ज़रूर देखेंगे सभी नेल्स को अच्छे से एसीटोन फ्री के साथ कि कहीं हमारा पिगमेंट अच्छे से क्योर अगर नहीं हुआ है तो वो अभी के अभी हाथ में निकल कर आ जाएगा। सो मेक श्योर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल भी एसीटोन फ्री के साथ टाइट हैंड से क्लीन करके देखें कि आपका एक्रेलिक की जो आउटलाइन करी है वो तो नहीं निकल रही है या फिर आपका कलर तो नहीं निकल रहा है कहीं। तो आइए देखते हैं इसकी फुल एंड फाइनल लुक। तो ये है हमारी नेल्स की फुल एंड फाइनल लुक। सो कैसा लगा गाइज आपको हमारी वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज थैंक यू।